हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है सबका बंसल एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम अपने डेली करंट अफेयर डिस्कस करेंगे कि आपको पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने नोट डाउन करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और स्टूडेंट्स, अगर आपने ज़्यादा जानकारी लेनी है तो आप दिए गए नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत हो जाती है जी आज के दिन की हिस्ट्री से। तो आज का दिन किस किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट था? तो 14 मई को, 14 मई को 2010 में 22 एग्रीमेंट्स हुए थे, ठीक है जी। तो इस पॉइंट को मार्क कर लेना है जी, 22 एग्रीमेंट साइन बिटवीन इंडिया एंड रशिया इन डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी, स्पेस, साइंस, एनवायरनमेंट, इंडस्ट्री, सोलर केयर। सो मतलब कि इन सब चीजों को लेकर भारत और रूस के बीच में आपस में 22 एग्रीमेंट हुए थे, ठीक है। कब? 14 मई 2010 को, 1984। 14 मई 1984 को जो फेसबुक के फाउंडर हैं, ठीक है जी, जो आप चलाते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ठीक है, व्हाट्सएप, ठीक है, और आपको पता है जी फेसबुक अब मेटा बन गया है, ठीक है जी। तो उसके फाउंडर मार्क जकरबर्ग का जन्म इस दिन हुआ था, 1657, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट ऐतिहासिक दिन है, ठीक है। तो अक्सर जो चीज आपको पता होनी चाहिए भी, फॉर एग्जाम्पल के शिवाजी के एल्डेस्ट सन का नाम क्या था, ठीक है, उनके बड़े बेटे का नाम क्या था, संभाजी महाराज। तो संभाजी वाज बॉर्न 1657। और नेक्स्ट है जी, 2013 को ब्राजील जैसे देश के द्वारा बिकम 15 कंट्री टू लीगलाइज द सेम सेक्स मैरिज। तो ब्राजील देश ने अपनी कंट्री में सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज कर दिया था, किस दिन? 14 मई 2013 को। तो आई होप सबको पॉइंट समझ में आ गया होगा, ठीक है जी। चलिए तो आज के करंट अफेयर डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट आपका पॉइंट है जी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI के द्वारा एक्सप्लोरिंग द कटिंग एज टेक्नोलॉजी फॉर सेल्फ हीलिंग रोड टू रिवोल्यूशनाइज द रोड मेंटेनेंस। तो भाई यहां पर एक नई प्रकार की टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है स्टूडेंट्स, अब रोड्स बनाने के लिए NHAI के द्वारा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या कर रहा है, जैसे कि आपको पता है कहीं पे भी नेशनल हाईवे बनाए जाते हैं, 4 लेन 6 लेन हाईवे बनाए जाते हैं, तो वहां पर क्या रहता है कि कई बार अगर रोड्स खराब हो जाती हैं, टूट जाती हैं, ठीक है, तो रोड्स बनती हैं, आपको पता है इंडिया में रोड्स बनने के बाद टूटती ज्यादा है। तो इसका सोल्यूशन NHAI ने ढूंढ लिया है। तो यहाँ पर सेल्फ कटिंग, ठीक है जी, कटिंग एज अप्रोच को यूज किया गया है। मान लो कि कहीं पर से अगर मान लीजिए रोड अगर टूट गई है, कुछ खराब हो गया, तो यहाँ पर एक टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है जिसे हम कहते हैं स्टील वूल। तो स्टील वूल का यूज किया जा रहा है, मतलब कि रोड बनाते समय उसमें एक लेयर स्टील की बिछाई जाएगी, और स्टील वूल मतलब कि वो काफी सॉफ्ट रहेगा। अगर इनकेस कहीं पे रोड अपने आप टूटती है, कुछ होता है, तो जैसे हीटिंग के मेल्टिंग इफेक्ट के साथ वो अपने आप ही सड़क जो है सेल्फ हील करके फिर से अपने एक पोजिशन ले लेगी। तो जैसे आपको पता है जी, आप सड़क पे चलते हैं, सड़क पर आपको गड्ढे ज्यादा मिलते हैं, क्यों? क्योंकि जैसे जैसे सड़क खराब होना शुरू होती है तो वहां पर इस प्रकार की दिक्कत होने लग जाती है। तो यहाँ पर NHAI के द्वारा ये सिस्टम को जो है इम्प्लीमेंट किया गया है, ठीक है, और इस चीज का यूज किया जा रहा है। तो आई होप आप सबको पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मेन जो है जो हीटिंग अप्लाई की जाएगी और स्टील फाइबर्स रोड के ऊपर बिछाए जाएंगे, जिसके कारण की जो रोड अगर खराब होती भी है तो उसे मेल्ट करके दोबारा जो है उसे उसी फॉर्म में ला दिया जाए। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका, ठीक है जी। और आपको बता दूं, अभी तक चाइना, जापान, कई सारे देश हैं इसका यूज कर रहे थे, तो अभी NHAI के द्वारा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इसका यूज करना जो आपके नेशनल हाईवेज बनते हैं वहां पर कर दिया। तो इट मीन्स कि अभी आपके जो शहरों की, आपकी गलियों की सड़कें हैं वहां पर इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा, अभी जस्ट ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है जितने भी 6 लेन 4 लेन हाईवेज बनते हैं उसके लिए कर रहा है। तो आई होप सबको पॉइंट समझ में आ गया होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आ जाओ जी। अगला पॉइंट है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन बिटवीन इंडियन कोस्ट गार्ड एंड जिंदल स्टील एंड पावर। तो स्टूडेंट्स, लेटेस्ट आपका पॉइंट है जी कि भाई भारतीय जो आपकी कोस्टल गार्ड, ठीक है, जो तटरक्षक, ठीक है, पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडियन कोस्ट गार्ड क्या है, आपको पता होना चाहिए। इंडियन नेवी से अलग इंडियन कोस्ट गार्ड जो है, जो आपके जितने भी कोस्टल एरियाज हैं उनकी उनको उनके 24 घंटे जो है सिक्योरिटी करती है, ठीक है। तो जिंदल स्टील पावर और इंडियन कोस्ट गार्ड में आपस में MOU साइन हुआ है,
मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है। तो स्टूडेंट्स मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इंक्रीज द इंडिजीनियस कंटेंट इन शिप बिल्डिंग। तो भाई सिंपल सी बात है, जिंदल स्टील कंपनी क्या देगी, क्या प्रोवाइड करेगी, जो कोस्ट गार्ड के पास अपने शिप वगैरह होते हैं, तो शिप बिल्डिंग का यहाँ पर टेंडर दिया गया है, ठीक है जी। तो पार्टनरशिप सपोर्ट टू सप्लाई द इंडिजीनियस मरीन ग्रेड स्टील। इंडिजीनियस मतलब होता है स्टूडेंट्स अपने देश में बना हुआ, इंडिजीनियस जो हमने खुद डेवलप किया। तो जिंदल स्टील के द्वारा जो है अपने इंडिया में, आपको पता है जी स्टील की प्रोडक्शन की बात हो रही है, तो जिंदल स्टील, टाटा स्टील, ठीक है, जेडब्ल्यू स्टील, तो ये जो कंपनियां हैं इंडिया में लार्ज स्केल के ऊपर जो है स्टील की मैन्युफैक्चरिंग, स्टील की प्रोडक्शन करती है। तो यहाँ पर पॉइंट आया था जी कि एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का इंपॉर्टेंट रोल हमें देखने को मिल रहा है, जिसमें कि इंडियन कोस्ट गार्ड के जो उनके इक्विपमेंट्स होते हैं, उनके जो शिप्स हो गए, ठीक है, जो जिसके ऊपर कोस्ट गार्ड वाले जो है पेट्रोलिंग करते हैं, तो उस प्रकार के जो शिप्स के लिए जो स्टील है वो कौन बनाकर देगा जी, जिंदल स्टील एंड पावर। सो आई होप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, अगला है, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगला करंट अफेयर आपका, सो फिफ्थ जॉइंट कस्टम ग्रुप मीटिंग बिटवीन द इंडिया एंड भूटान हेल्ड इन लेह लद्दाख। तो आपको ये क्वेश्चन पेपर में कैसे पूछा जा सकता है कि रिसेंटली फिफ्थ जॉइंट कस्टम्स ग्रुप मीटिंग किन दो देशों के बीच में हुई, भारत और भूटान के बीच में किस जगह पर हुई, दिल्ली में हुई, चंडीगढ़ में हुई, लद्दाख में हुई, इस तरीके से लेह लद्दाख में हुई, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो फिफ्थ ज्वाइंट कस्टम्स ग्रुप की जो मीटिंग है ये बिटवीन इंडिया एंड भूटान, ठीक है, लेह लद्दाख में हुई है जी, और यहाँ पर इस मीटिंग को को चेयर किया गया है बाय सुरजीत भुजबल, ठीक है, जो इंडिया की तरफ से, और यहाँ पर भूटान की तरफ से सोनम जामशो, ठीक है। तो आपस में इन्होंने मीटिंग की है और यहाँ पर ओपनिंग अ न्यू लैंड फॉर द कस्टम स्टेशन, डेवलपिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, ऑटोमेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट, एंड कई सारे ऐसे मीटिंग में पॉइंट डिस्कस किए गए कि भाई आपस में जो दो देश हैं बढ़िया तरीके से अपना, ठीक है, व्यापार कर सके। क्योंकि आपको पता है स्टूडेंट्स यहाँ पर सबसे बड़ी जो समस्या है, हमने नेपाल और भूटान को अपने साइड करके रखना है और चाइना से इंडिया को प्रोटेक्ट करना है, तो किस तरीके से इंडिया उसमें, ठीक है, अपनी इंटरफेरेंस दिखा सकता है, ये इन चीजों को लेकर मीटिंग हुई है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट आ जाइए, अगला पॉइंट है, सेतु अनवीलिंग द इंडिया फर्स्ट डोमेन स्पेसिफाइड, आपका जो स्पेशल आप कह सकते हैं LLM फॉर BFSI सेक्टर। तो BFSI क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर जैसे बैंकिंग, फाइनेंस, ठीक है, और आपका इंश्योरेंस सेक्टर। तो यहाँ पर इसके लिए जो है सेतु वर्जन ऐप यहाँ पर लॉन्च किया गया है टू टेक फास्ट क्रेडिट डिसीजंस एंड प्रोवाइड हाइपर पर्सनलाइज फाइनेंशियल सर्विसेज। तो सेतु जो है ये प्रोवाइड किया गया है, प्रोड्यूस्ड बाय साहिल किनी एंड निखिल कुमार इन 2018, और इस ये एक एप्लीकेशन बेस्ड प्रोग्राम है जो कि एक यूजर इंटरफेस को बेहतर बनाता है, जो आपका ग्राफिक यूजर इंटरफेस है, ठीक है, बैंकिंग सेक्टर को लेके, फाइनेंशियल सेक्टर को लेके, इंश्योरेंस सेक्टर को लेके बेहतर बनाने के लिए। लो जी, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन आपका, ग्लोबल एनर्जी थिंक टैंक अंबेर, ठीक है जी, इस पॉइंट को मार्क कर लेना। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनकी जो नई रिपोर्ट रिलीज हुई है, इंडिया इज प्रोजेक्टेड टू ओवरटेकिंग द जापान एज अ वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोलर एनर्जी 2023। तो भाई भारत जो है जापान को पछाड़ के तीसरी बड़ी विश्व में सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करने वाला अपना देश बन गया, और बहुत जल्द मैं बताता हूं आपको पहला नंबर एक पर हमारा देश आ जाएगा। क्योंकि स्टूडेंट्स अडानी ग्रीन के द्वारा जो है सबसे बड़ा 10,000 मेगावाट का जो है प्रोजेक्ट भारत में लगाया जा रहा है, ठीक है जी। सो यहाँ पर जो इंडिया है भाई तेजी से ग्रो कर रहा है, और स्पेशली हमारे देश में जो इस प्रकार के जो सेक्टर हैं, ठीक है, बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, सोलर, ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, डिफेंस इक्विपमेंट्स, इन चीजों के ऊपर गवर्नमेंट का मेन फोकस है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, अगला है स्टूडेंट्स मणिपुर, मणिपुर की न्यूज है, मणिपुर गवर्नर अनुसुईया उइके लॉन्च स्कूल ऑन व्हील इनिशिएटिव। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है, कि किस राज्य में अभी आपको रिसेंटली के उड़के लॉन्च स्कूल व्हील इनिशिएटिव, तो मतलब कहां पर किस राज्य सरकार के द्वारा किस राज्य में ये इनिशिएटिव लिया गया है, स्पेशली टू प्रमोट एजुकेशन, टू प्रोवाइड एजुकेशन। क्योंकि आपको पता है पिछले एक साल से
एक साल से भी ज्यादा हो गया, और मणिपुर में जो है आपस में कम्युनल क्लैश चल रहा है, आपस में वहां पर जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं जैसे कि कुकी और मैती ट्राइब के लोग जो हैं, इस कम्युनल क्लैशेस के कारण जो है वहां पर बच्चे नहीं पढ़ पा रहे, मतलब कि जगह जगह अभी भी सिचुएशन वैसी है, लोग जो है रिलीफ कैंप्स में रहने पर मजबूर है। तो जो लोग रिलीफ कैंप में रह रहे हैं साथ में उनके बच्चे भी वहीं पर रह रहे हैं, तो उन जगह मतलब एक साल से बच्चे स्कूल ही नहीं जा पा रहे, तो उन जगहों पर जो है गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है कि बच्चों को वहीं पे जहां पर वो रह रहे हैं उनको जो है एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके। ठीक है, सो दिस इज एन एफर्ट टू कनेक्ट विद द स्टूडेंट्स लिविंग इन रिलीफ कैंप्स। तो जो बच्चे रिलीफ कैंप में रह रहे हैं उनको जो है स्टेट के द्वारा जो है इस तरीके की कोई फैसिलिटी मुहैया कराई जाए ताकि वो इजिली पढ़ सके। ठीक है, सो स्कूल बसेस विल हैव अ लाइब्रेरी, स्मार्ट टीवी, कंप्यूटर, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। ठीक है, तो मतलब कि जो स्कूल की आपकी जो बस होती है, स्कूल बस में बच्चों को ऐसी मुहैया कराई, जो फैसिलिटी मुहैया कराई जाए ताकि वो वहीं पर पढ़ सके जहां पर वो रिलीफ कैंप में रह रहे हैं। ठीक है, और रिलीफ कैंप में उनको जो है वहां पर टीचर्स को भी भेजा जाए ताकि टीचर बच्चों को पढ़ा सके। ठीक है, सो विद्या भारती शिक्षा विकास समिति के द्वारा ये इम्प्लीमेंट, ये इनिशिएटिव लिया गया है, और अराउंड 18,000 स्टूडेंट्स हैं आज भी मणिपुर में जो 480 रिलीफ कैंप में रह रहे हैं। तो खैर, आपको ये चीज तो पेपर में नहीं पूछी जा सकती कि भी कितने बच्चों को रिलीफ कैंप में जो है फैसिलिटी दी जा रही है या कितने रिलीफ कैंप्स वहां पर हैं। जो क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है कि भाई किस राज्य के द्वारा जो है स्कूल ऑन व्हील इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, ऐसे ये क्वेश्चन पेपर में बन सकता है। ठीक है जी, सो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, अगला पॉइंट है स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स 2024 ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पर जो इम्प्लीमेंट की गई है जी, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नेट डोमेस्टिक सेविंग डिक्लाइन शार्पली ऑफ 9 लाख करोड़ टू 1,416 लाख करोड़। सो ईयर 2020-23 यहाँ पर नेट डोमेस्टिक सेविंग की बात की गई है जो कि 23.29, ठीक है, 23.29 लाख करोड़ जो थी। ठीक है, तो यहाँ पर एक डाटा शो किया गया कि डिक्लाइन हुआ है। सो इंडिया बिकम द फर्स्ट कंट्री टू रिसीव द रेमिटेंस ऑफ $100 बिलियन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये जो है एक डाटा निकल कर आया है कि मतलब कि कितना जो है डोमेस्टिक में, ठीक है जी, डोमेस्टिक सेविंग में डिक्लाइन हुआ है, दैट्स इट। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है जी, इंडिया बिकम द फर्स्ट कंट्री टू रिसीव द रेमिटेंसेज ऑफ $100 बिलियन। तो मतलब कि भारत दुनिया में पहला ऐसा देश बन गया स्टूडेंट्स के जिसको सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस। तो रेमिटेंसेस क्या होते हैं जी, जो आपको पता है कि विदेशों में आपके रिश्तेदार अगर रह रहे हैं तो वो आपके लिए कोई गिफ्ट वगैरह भेजते हैं तो वो आपके रेमिटेंसेस हो जाते हैं। तो यहाँ पर $100 बिलियन का भारत को जो है इस प्रकार के रेमिटेंसेस रिसीव हो रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू द जॉइंट माइग्रेशन एजेंसी, इंडिया इज सेट टू रिसीव 111 बिलियन रेमिटेंसेज इन 2022। इंडिया, मेक्सिको, चाइना, फिलीपींस, फ्रांस, ये टॉप के ऐसे देश हैं जहां पर के इस प्रकार से रेमिटेंसेस रिसीव हुए हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, आगे डिस्पाइट द उत्तराखंड गवर्नमेंट मूविंग टू द सुप्रीम कोर्ट टू डिक्लेयर दैट द एमरजेंसी रिगार्डिंग द फॉरेस्ट फायर नाउ ओवर एंड द स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रिपोर्टेड 40 न्यू केसेस ऑफ द फायर। तो भाई एक तरफ तो जैसे कि आपको पता स्टूडेंट्स की नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का काम क्या होता है कि जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है वो उसका काम है कि वो किसी राज्य सरकार को भी फटकार लगा सकती है कि आप क्या कर रहे हो अपने राज्य में अगर आपसे इस तरीके से जंगलों में लगी हुई आग अगर कंट्रोल नहीं हो पा रही। तो उत्तराखंड के सीएम जो है पुष्कर सिंह धामी जो है वो सुप्रीम कोर्ट गए, कहते हैं कि भी सब कुछ कंट्रोल में है, और उसी दिन ही न्यूज निकल के आती है कि 40 नए और केस फायर के देखे गए हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से, ये न्यूज निकल के आती है। तो जब ये न्यूज निकल के आई तो पुष्कर सिंह धामी ने तुरंत फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लगभग 11 से 12 ऑफिसर्स के ऊपर एक्शन लिया कि मतलब ये कैसे पॉसिबल हो रहा है, ठीक है, और किस तरीके से जो स्टेट अगर मैनेज नहीं कर पा रहा तो सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। ठीक है जी, अंडरस्टैंड, सो दिस हाइलाइटेड द, ठीक है, पैराडॉक्सिकल सिचुएशन वी फेसिंग इन अ कंट्रोलिंग द रेंजिंग वाइल्ड फायर इन दिस रीजन। तो ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है कि रिसेंटली किस राज्य के जंगलों में भीषण आग फैली है। ठीक है जी, तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, आगे वेस्ट नील फीवर। सो ये क्या है जी, वेस्ट नील फीवर एक वायरल इन्फेक्शन है जो अभी रिसेंटली फिर देखने को मिली है। तो वेस्ट नील इन्फेक्शन, ये जो वेस्ट नील फीवर जो है ये एक वायरल इन्फेक्शन,
ये किस तरीके से फैलता है जी, वेस्ट नील वायरस जो है इसका जो प्राइमरी ट्रांसमीटर है भाई ये एक मच्छर के काटने से, ठीक है जी, नोट कर लो, प्रोटस क्यूलेक्स मॉस्किटो, ठीक है जी, जैसे आप पढ़ते हो कि मलेरिया कैसे फैलता है, डेंगू कैसे फैलता है, ठीक है, चिकनगुनिया कैसे होता है, तो ये भी ठीक है नोट कर लो, प्रोटस क्यूलेक्स मॉस्किटो के काटने से फैलता है, और पहली बार इसका केस जो है युगांडा में पाया गया था 1937 में, ठीक है। सो दिस एंडेमिक डिजीज नाउ अराइव ग्लोबली, तो भाई पूरे दुनिया में फैल चुकी है ये जो प्रॉब्लम है, और केरला में भी पहली बार ये 2011 में रिपोर्ट हुए थे इसके कुछ सिम्टम्स, और फिर से अभी न्यूज में है, ठीक है। तो आई होप आपको पता चल गया होगा, तो सीधा क्वेश्चन यहां से बन सकता है पेपर में कि वेस्ट नील फीवर वायरस क्या है, ये एक वायरल इंफेक्शन है, बैक्टीरियल फंक्शन है, ठीक है जी, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और पहली बार ये वायरस कहां पर फैला, ठीक है, या फिर और इसका जो मेन सोर्स है वो क्या है, इस तरीके से आपको पेपर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगला पॉइंट है जी, सो सेतु ए लीडिंग इंडियन फिनटेक कंपनी, ठीक है, तो फिनटेक जो फाइनेंशियल से जुड़ी, जो फाइनेंस से जुड़ी, जो टेक्निकल कंपनी, ठीक है, जो टेक्निकल एनालिसिस भी आपको करके देती है, तो फिनटेक कंपनी पार्ट ऑफ द पिन लैब ग्रुप, जो आपको पता है जी आप ऑनलाइन पेमेंट वगैरह करते हो, ठीक है, तो पिन लैब ग्रुप एज अनवील सीम्स द इंडिया फर्स्ट लार्ज लैंग्वेज मोड स्पेशली फॉर द बैंकिंग फाइनेंस सर्विस एंड इंश्योरेंस सेक्टर। तो भाई यहाँ पर सेतु कंपनी के द्वारा जो है जो पिन लैब ग्रुप के साथ मिलकर यहाँ पर जो आपको पता है कि भाई बैंकिंग सर्विस में, ठीक है, लोगों को दिक्कत आती है, तो एक्चुअल टर्म में लोगों के लिए यहाँ पर लार्ज स्केल के ऊपर जो लोकल लैंग्वेज में, ठीक है जी, तो सर्विस वगैरह प्रोवाइड की जाए, सो लार्ज लैंग्वेज मोड ऑफ, ठीक है, यहाँ पर भारत में ये आपको देखने को मिला। तो आई होप सबको पता चल गया होगा। आगे आते हैं स्टूडेंट्स जो आपके करंट अफेयर से जुड़े क्वेश्चन है। सो रिसेंटली विच कंट्री इज इंडिया प्लानिंग टू बिल्ड अ रिसर्च स्टेशन, तो भाई यहाँ पर एक पॉइंट नोट कर लेना कि भारत जो है अपना, ठीक है, रिसर्च स्टेशन कहाँ पर बनाने की बात कर रहा है, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा जी ए ऑप्शन अंटार्कटिका, ए ऑप्शन अंटार्कटिका, यहाँ पर ठीक कर लेना, वैसे कंट्री लिखा है, कंट्री नहीं आएगा, जैसे कि आपको पता है जी अंटार्कटिका एक कंप्लीटली फ्रिज जोन है, और पूरा का पूरा जो है इसे सदरन ओशियन भी कहा जाता है, जो कि टोटली जमा हुआ है, बर्फ की सरफेस जमी हुई है, ठीक है, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर रिसर्च स्टेशन है। तो भाई भारत के द्वारा यहाँ पर अंटार्कटिका में अपना जो पहले से आपको पता है जी, जैसे आप पढ़ते हो स्टूडेंट्स के मैत्री स्टेशन, सो कंस्ट्रक्शन मैत्री टू रिसर्च स्टेशन, तो भारत जो है अपना यहाँ पर एक नया रिसर्च स्टेशन बनाने जा रहा है, और मैत्री टू, ठीक है जी, और ये जो है स्टूडेंट्स 46 अंटार्कटिका ट्रिटी, ठीक है, कंसल्टेटिव मीटिंग कंडक्ट कराई गई, और जो कि 46 अंटार्कटिका ट्रिटी कंसल्टेटिव मीटिंग जो थी ये एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन को लेकर स्पेशली मीटिंग हुई, और ये मीटिंग जो है कोची में करवाई जाएगी फ्रॉम 20 to 30 मई, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है कि रिसेंटली किस देश में या किस जगह पे, ठीक है, देश नहीं आएगा, कंट्री नहीं आएगा, कि किस जगह के ऊपर जो है जो है भारत अपना रिसर्च स्टेशन बना रहा है, ठीक है। तो पहले से आपको पता है जी मैत्री फर्स्ट कन्वर्टेड टू अ समर कैंप, इसको जो है समर कैंप में बदल दिया जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर जो इंडियन गवर्नमेंट जो आपके साइंटिस्ट वगैरह होते हैं उनको भेजा जाता है, ठीक है, और बाकी देशों के भी जो साइंटिस्ट हैं वो यहाँ पर रिसर्च अपनी अपनी कंट्री के जो है करते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट अगला पॉइंट है स्टूडेंट्स, रिसेंटली भारतीय इंटरनेशनल एक्सचेंज हैज अर्न हाउ मैनी करोड़ रुपीस शेयर ऑफ नागालैंड लॉम्बर्ड। तो यहाँ पर जी भारती, सुनील भारती, मित्तल भारती, एयरटेल, आपको जैसे कंपनी का पता है, तो यहाँ पर 663 CR का जो है प्रॉफिट जनरेट किया, ठीक है जी, तो जनरल इंश्योरेंस कंपनी। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली स्टार्टेड द पिडालू लाओ पैसा पाओ कैंपेन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक्चुअल टर्म में जैसे आपको पता है कि उत्तराखंड में एक किस्म की घास होती है जो बहुत तेजी से आग पकड़ती है उसको, ठीक है, तो वहाँ की सरकार ने, वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी, उनके द्वारा कैंपेन लॉन्च किया गया है रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में, और रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में उनके द्वारा ये इनिशिएटिव शुरू किया गया है कि लोग जो हैं वहाँ के लोकल लोग जो हैं, जो विलेजर्स हैं, ठीक है, तो उनके लिए पिरालू लाओ
और पैसा पाओ। मतलब कि जो जंगलों में जो घास, जो सूखी घास होती है, उसको यहाँ पर पिरालू कहा गया, तो उसको अगर लोग कलेक्ट करके, ठीक है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को देके जाएंगे तो गवर्नमेंट की तरफ से उनको पैसे मिलेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पर क्यों ऐसा कर रही है सरकार, टू प्रिवेंट द फॉरेस्ट फायर। तो ये जो इनिशिएटिव है किस स्टेट का है, उत्तराखंड का, ठीक है जी। तो ए ऑप्शन अपना मार्क कर लो आंसर, यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा उत्तराखंड। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, विच कंट्री हैज इंडिया रिसेंटली ओवरटेकन एज अ वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी जनरेशन। तो भाई आंसर इज जापान, ठीक है जी। सो भारत जो है यहाँ पर, ठीक है, सोलर एनर्जी की तरफ मूव करता हुआ, और किसको पछाड़ रही, सी ऑप्शन जापान, ठीक जी। अगला क्वेश्चन है जी, हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन इन अ रिसेंट एशिया ओपन, ठीक है, पिकल बॉल चैंपियनशिप। सो भाई यहाँ पर भारत का कौन सा, उसने पूछा कि भाई रिसेंटली एशिया ओपन पिकल बॉक्स चैंपियनशिप में कौन सा रैंक आया है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन फिफ्थ, ठीक है जी, मार्क कर लो बी ऑप्शन फिफ्थ, कहाँ पर हुई थी, वियतनाम में, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे, सो इन विच कंट्री हैज गूगल रिसेंटली लॉन्च द वॉलेट ऐप। तो किस देश में रिसेंटली गूगल के द्वारा जो है वॉलेट ऐप भी लॉन्च किया गया है, ए ऑप्शन इंडिया, ए ऑप्शन इंडिया, ठीक है, मार्क कर लो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, विच कंट्री हैज रिसेंटली गिवन अप्रूवल टू अडानी ग्रीन टू डेवलप द विंड पावर। तो किस देश के द्वारा जो है अडानी ग्रीन को जो है, ठीक है जी, यहां पर अप्रूवल दे दिया गया कि उस देश में विंड पावर डेवलप कर सकते हैं, बना सकते हैं, सी ऑप्शन श्रीलंका, सी ऑप्शन श्रीलंका। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, विच कंट्री कंपनी हैज रिसेंटली टेस्टेड अ रॉकेट पावर्ड बाय अ कैंडल वैक्स। आंसर इज बी जर्मनी। सो पहली बार हो कि जर्मनी की कंपनी के द्वारा जो है रॉकेट स्पेस में जो भेजा गया है यूजिंग द एनर्जी ऑफ कैंडल वैक्स। तो पेट्रोल जो काफी ज्यादा हाईली इनफ्लेमेबल आपका प्रोपेलेंट होता है, उसका यूज नहीं किया गया है, ठीक है, हाइड्रोजन फ्यूल का यूज नहीं किया गया, यहाँ पर कैंडल वैक्स का यूज किया, तो बी ऑप्शन जर्मनी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, सो हु हैज रिसेंटली बीन ऑनर्ड विद द ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड। तो भाई यहाँ पर पवन सिंधी, ठीक है जी, पवन सिंधी को जो है ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड दिया गया है, ठीक है, नोट कर लीजिए। तो इस टाइप के अवार्ड एंड फंक्शन वाले क्वेश्चन भी पेपरों में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ह्यूमैनिटी के लिए, पीस के लिए, प्रोस्पैरिटी के लिए इनको जो है ये अवार्ड दिया गया है। माय नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट इन अ वर्ल्ड इन टर्म ऑफ ग्लोबल रेमिटेंस। तो जी ये क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए, तो आंसर यहां पर डी ऑप्शन इंडिया, डी ऑप्शन इंडिया। सो आई होप स्टूडेंट्स आप सबको पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। इस प्रकार से वीडियोस जो हैं आपको कंटिन्यू मिलती रहेंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके करियर से जुड़ी आपके सारी ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।